गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी घर पर बच्चों अपने पेरेंट्स के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बेटा, ड्राइंग क्लास में आपका स्वागत है। नया साल हो और केक ना हो, ये तो कोई बात ही ना हुई। तो चलिए, इसी अवसर पर हम आपको आज एक केक बनाना सिखा रहे हैं। तो बहुत ही आसान तरीका हमने लिया है, ठीक है बेटा। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, ठीक। आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं और जैसे मैम आपको बनवा रही है इस तरीके से भी आप शो कर सकते हैं। देखा बेटा, अब आप क्या करेंगे, जो भी अगर आपको कुछ इसमें पेंसिल की लाइन नज़र आती है तो आप उसको हल्का सा रफ कर लीजिए, ठीक है। कलर आप बेटा अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हैं। चाहो तो जो मैम आपको करके दिखा रही हैं वो भी कर सकते हो, और आप अपनी मर्जी से भी कोई भी कलर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। बेटा एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अब जो भी काम आपको कराया जा रहा है उसको आप साथ के साथ अच्छे से प्रैक्टिस करके रखेंगे, ताकि आपको फाइनल में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। और यदि किसी बच्चे को कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो एनी टाइम वो अपनी मैम से बात कर सकता है। पहले हम एक कलर का काम फिनिश कर लेंगे अपने पूरे काम के अंदर। जो सर्कल है सर्कल में हम रेड कलर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा और अच्छा उसको शो करने के लिए।
कैंडल्स में हम ब्लू कलर शो कर रहे हैं। लो में बच्चों हम येलो कलर दिखा रहे हैं। और देखिए नीचे आप कोई भी कलर दिखा सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको चॉकलेट कलर अच्छा लगता है तो चॉकलेट कलर कर सकते हैं। यदि आपको कोई और कलर शो करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए आपको करके दिखा रहे हैं बेटा। यहाँ पे हम लेंगे 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 येलो कलर। ठीक है, और आप चाहो तो आप चॉकलेट कलर भी दिखा सकते हैं। क्योंकि इसमें कलर में कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। जिस कलर का आपको केक, जो भी आपको फ्लेवर अच्छा लगता है, आप वही कलर इसमें फिल कर लीजिए। बस ये ध्यान रखेंगे कि जब आप कलर चलाएंगे तो आपका जो चलाने का तरीका है, आपको जो अपना हैंड को मूव करना है, वो आप या तो लेफ्ट राइट करेंगे या आप बच्चों अप डाउन करेंगे। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे हमने ये वाइट रखा है, क्रीम दिखाई है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें कोई और कलर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम बुक की एक्टिविटी की तरफ आ गए हैं बेटा। तो इसके अंदर आप देखिए, आपको इसमें उन्होंने बोला है जो आपका ये लैंडस्केप है, इसके अंदर आपको बच्चों पेंसिल शेडिंग करके दिखानी है। कुछ कलरिंग मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। ठीक है, तो जैसे बेटा आपने देखा सन के अंदर, आपको पता ही है इसमें येलो कलर शो करेंगे आप इस तरीके से। अपने आप जो आपका हाथ है उसको आपने अपनी पिक्चर के हिसाब से मूव करना है। ठीक है बेटा, जैसे आपको पता है सन गोल होता है, तो आपने अपने हैंड को भी उसी तरीके से घुमाना है। ठीक है, और इसके अंदर फिर हम थोड़ा सा ऑरेंज शेड दे देंगे बेटा, इस तरीके से। ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा आपको उसको इस तरीके से करना है। ठीक, आपको पता ही है बादल कौन से कलर के होते हैं, तो आप यहाँ पे ग्रे कलर शो कर देंगे। ठीक, इस तरीके से आपने ये ग्रे कलर शो कर दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे माउंटेन्स दिखा रखे हैं, तो आप इसमें, मैं एक आपको माउंटेन कलर करके इस तरीके से दिखा रही हूँ बेटा, बाकी आप खुद उसको कंप्लीट करेंगे। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो पूछ सकता है। इस तरीके से बच्चों देखिए, जिस डायरेक्शन में आपके माउंटेन्स यहाँ पे शो हैं, उसी तरीके से आपने अपने हाथ को भी चलाना है। ठीक है बच्चों, अब आप देखेंगे यहाँ पे हल्का सा हम थोड़ा सा
ब्राउन का शेड दे रहे हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि आपके जो ट्रीज होते हैं वो ग्रीन कलर में होते हैं, तो आप यहाँ पे बच्चों ग्रीन कलर शो कर देंगे। इसमें हम अपने हाथ को थोड़ा ट्री के अंदर गोल गोल घुमाएंगे। थोड़ी थोड़ी जगह में, ये नहीं कि पूरे के अंदर इस तरीके से करना, नहीं, जो आपकी थोड़ी थोड़ी जगह है इसी में पहले हम अपने हैंड को इस तरीके से यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके अंदर आपको डार्क ग्रीन का थोड़ा सा इफेक्ट दिखा रहे हैं, बाकी आप खुद इसको करेंगे कंप्लीट। जैसे ये जो लाइंस हैं इसके अंदर आप इसको थोड़ा सा, ये बिटर पेंसिल बहुत जल्दी, कलर पेंसिल जो होती हैं बहुत जल्दी टूट जाती हैं, तो आपने भी इसको थोड़ा सा आराम से चलाना, देखिए टूटती जा रही है ये। हमने इसमें थोड़ा सा डार्क इफेक्ट देना है बेटा। ये जो हमारी यहाँ की लाइंस हैं जो ट्री की जो आउटलाइन हो रखी है उसको भी हम ग्रीन कलर से डार्क इफेक्ट दिखा देंगे, ठीक है। और इसमें बच्चों कहीं कहीं पे आप इसमें येलो, क्योंकि आपको पता है ट्री के अंदर कहीं येलो फ्लावर्स भी होते हैं, कहीं पिंक फ्लावर्स भी कुछ कुछ ट्री के अंदर आपको नज़र आते रहते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा शो कर देंगे। आप चाहो तो इसको लीफ की शेप में भी शो कर सकते हैं। यहाँ हम ब्राउन कलर शो कर रहे हैं बच्चों। ये हमने डार्क कलर किया है, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा बेटा लाइट कलर शो कर रहे हैं। और जैसे ये यहाँ पे स्टोन दिखाए हुए हैं तो आप इसको सिल्वर कलर, ग्रे कलर, ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक इफेक्ट, थोड़ा सा ग्रीन इफेक्ट, इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। देखिए हमने
बीच से लाइट रखा है इसको, और साइडों से थोड़ा सा डार्क दिखाने की कोशिश करिए। इस तरीके से यहाँ पे आपको ये घास दिखाई हुई है, ग्रास जिसको कहते हो आप, वो इस तरीके से आप शो कर रहे हैं बेटा। इसमें लाइट और डार्क का शेड दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने अपने घर में, यहाँ जो ट्री है, इनमें सब में आपको खुद कलर करने हैं, और ये जो स्पेस है सारा, ये सब आप ग्रीन शो करेंगे। अगर आप ट्री डार्क ले रहे हैं तो आप बाहर लाइट कर देंगे, अगर बाहर लाइट ले रहे हैं तो ट्री को आप डार्क कर देंगे, इस तरीके से ही शो करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से आपने, ये देखिए, इस तरीके से आपने सारे को शो करना है। देख रहे हैं बेटा, इस तरीके से। ये लिया, और इसको हम अच्छे से डार्क करके इस तरीके से शो कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब आपने दोनों एक्टिविटी को कंप्लीट करके अपने नाम और क्लास के साथ अपने ड्राइंग ग्रुप में समय से सेंड करना है। थैंक यू।